तो चलो प्यारे बच्चे, इस वाले क्वेश्चन को देखो। देखो, ए बोट इज सेंट अक्रॉस ए रिवर विद वेलोसिटी 8 किलोमीटर पर आवर। एक बोट को वेलोसिटी, जब ए बोट सेंट अक्रॉस ए रिवर, मतलब बोट की वेलोसिटी इतना है, तो बताया नहीं है, तो बोट की वेलोसिटी में 8 किलोमीटर पर आवर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ले लेता हूँ, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक ना। तो ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मैं देखूँ तो इतना, इफ़ द रिजल्टेंट, जब नदी में उतर गया तो रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ द बोट 10 किलोमीटर पर आवर है। तो चलो यहाँ पर एक बोट है, उसको मैं इधर ही भेज देता हूँ, ठीक है ना। ये इस डायरेक्शन में मैंने भेज दिया, और दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ, जब नदी में कोई भी चीज़ कूद जाती है, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, तो ये एंगल कुछ थीटा डिग्री पे है। मान लो ए पे टारगेट बनाया था और वो बी पे पहुंच गया, तो ये वाली जो वेलोसिटी है, दैट इज़ वेलोसिटी ऑफ रिवर, रिवर इधर जा रही है, दैट इज वेलोसिटी। तो ये वाली जो वेलोसिटी होगी वो हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ बोट, ठीक है ना। तो हमें वेलोसिटी ऑफ रिवर चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर रिजल्टेंट 10 किलोमीटर पर आवर इन्होंने दे रखा है, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। तो यहाँ से तुम देखोगे तो वेलोसिटी ऑफ जो बोट हमें दिया हुआ, तो वेलोसिटी ऑफ जो रिवर आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ माइनस, यहाँ से तुम देखोगे, हाँ, हम लोगों को चाहिए वेलोसिटी ऑफ बोट चाहिए, बी आर चाहिए। तो यहाँ से तुम देखोगे वेलोसिटी ऑफ रिवर जो आ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ रिवर, तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू रिवर का स्क्वायर माइनस वेलोसिटी ऑफ बोट का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम से, यहाँ से ये वाली चीज़, ठीक है, ये वाली हमें कंपोनेंट चाहिए, ये वाला फैक्टर चाहिए। आई होप कि ये थोड़ा सा, मतलब ये 10 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर अंडर रूट, दैट इज़ यहाँ से जो वेलोसिटी ऑफ रिवर आ जाएगी वो 6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कुछ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था, समथिंग कुछ ऐसा आसानी था।